जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको पता है कि भारत अपने फाइटर जेट के इंजन को बनाने के लिए काफी टाइम से मेहनत कर रहा है और भारत को करीब 20 से 25 साल इस पर काम करते हुए हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सफलता इसको हासिल नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों अब भारत ने अपने उस सपने को पूरा कर लिया है जिस सपने को भारत कई सालों से देख रहा था और अब भारत ने एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को बनाकर तैयार कर लिया है जिसमें कि फाइटर जेट्स के इंजन का यहां पर प्रोडक्शन किया जाएगा। जी हां दोस्तों, यहां पर भारत के अंदर एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बनाकर तैयार कर लिया गया है जहां पर भारत के कई सारे इंजन को बनाकर तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों क्या है फैसिलिटी, कहां पर बनाई गई है, आपको विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने एक प्रोडक्शन यूनिट को बेंगलुरु के अंदर बनाकर तैयार किया है और इसका जो इनॉग्रेशन है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। और दोस्तों इस यूनिट को बनाने वाली कंपनी का नाम है HAL। आपको पता है कि काफी समय से भारत ऐसी यूनिट को बनाने की तैयारी कर रहा था जिसमें एक ही छत के नीचे कई सारे इंजन का प्रोडक्शन किया जा सके और वो भी बड़ी मात्रा में किया जा सके। और आज भारत को इसमें सफलता मिली है और अब भारत को अपने कई सारे इंजन को बनाने में यहाँ पर काफी आसानी होगी और भारत बड़ी मात्रा में इनका प्रोडक्शन करके अपने फाइटर जेट्स के अंदर यूज कर सकता है। और दोस्तों साथ ही इसके अंदर जो इंजन बनाए जाएंगे उनमें से हाई थ्रस्ट रॉकेट इंजन को भी बनाया जाएगा जिनमें कि देसी कंपोनेंट का भरपूर यूज किया जाएगा। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो इस यूनिट के अंदर 100% मेड इन इंडिया कंपोनेंट यूज किए जाएंगे और इसी यूनिट में लॉन्च व्हीकल के लिए क्रायोजेनिक इंजन बनाए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 70 से ज्यादा इक्विपमेंट को बनाया जाएगा जिनको कि इंजन के अंदर यूज किया जाता है। और ये जो यूनिट है काफी बड़ी है, 4500 वर्ग मीटर में फैली हुई है जहाँ पर भारत ने अपने इस बड़े सपने को पूरा किया है। दोस्तों आपको बता दें कि 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी जहाँ पर हमारे इसरो के साथ HAL ने एक MOU साइन किया था। हालांकि इसमें जो काम शुरू हुआ था वो 2016 में स्टार्ट हुआ था और फाइनली इसको लगभग 208 करोड़ की लागत से बनाकर तैयार कर लिया गया है। और दोस्तों इस यूनिट के अंदर R&D टेस्टिंग और साथ ही प्रोडक्शन किया जाएगा। और दोस्तों एक तरह से ये पूरी यूनिट ऑटोमेटेड है यानी कि मशीनों के द्वारा इंजन को बनाया जाएगा और इसमें कई सारे बड़े प्रोजेक्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों को भी साथ में लाया जाएगा, इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट से प्राइवेट कंपनियों को भी साथ में रखकर उनको भी इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी साझा की जाएगी ताकि हमारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी अपनी हेल्प भारत के इंजन को बनाने में कर पाएं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक भारत के अंदर कोई भी टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी जिसके अंदर भारत अपने इंजन को टेस्ट कर पाए, लेकिन अब जब भारत ने इस तरह की फैसिलिटी को बनाकर तैयार कर लिया है तो भारत आराम से किसी भी इंजन को यहां पर बना सकता है और टेस्ट भी कर सकता है। और एक तरह से देखा जाए तो ये भारत के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है क्योंकि आपको पता ही होगा हमने अपने कावेरी इंजन को रूस के अंदर टेस्टिंग फैसिलिटी में टेस्ट करने के लिए भेजा हुआ है और जब रूस इसका टेस्ट करेगा उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारा जो इंजन है कितना किलोन्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है। ऐसे में आने वाले समय में भारत कोई भी इंजन बनाकर तैयार करता है तो उसको भारत के अंदर ही टेस्ट भी कर लिया जाएगा और इसके बाद 2023 से यहां पर मॉड्यूलर तरीके से काम करना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों भारत की इस नई फैसिलिटी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।